सीरियल अनुपमा में अनुपमा लेगी बापूजी के बदनामी का बदला और सिखाएगी अच्छा खासा सबक। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि बहुत बुरी तरह से अनुपमा और अनुज पर भड़क जाती है और कहती है कि मांग में सिंदूर भर, जब भगवान राम को ही किसी ने नहीं छोड़ा तो तुम कौन सी डाल की पत्ती हो। और उसके बाद अनुज को भी इतना भड़का देती है, इतना बुरा गुस्सा दिला देती है कि वो मांग का सिंदूर उठाकर अनुपमा के तरफ बढ़ा देता है हाथ। लेकिन तभी सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और देखते हैं कि अनुपमा के मांग में सिंदूर नहीं तिलक लगा होता है। और अनुपमा भी जोर से चिल्ला देती है, लेकिन सबको पता होता है कि अनुज कभी गड़बड़ नहीं करेगा। अनुज कह देता है कि मैं इसको देवी बना सकता हूँ, लेकिन उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए इसकी मांग में सिंदूर नहीं भर सकता हूँ और मैं कभी भी मर्यादा को लांघूंगा नहीं, हमने हमारी मर्यादाओं को तय कर रखा है। और अनुपमा भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बात तो बा है, वो सुनने को तैयार ही नहीं होती और कह देती है कि हम सबका मुंह बंद करना है तो इससे मांग में सिंदूर भरना ही पड़ेगा। तो वहीं पर बापूजी भी कहते हैं कि बहुत हो चुका है, मैं तुम्हारी बकतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा और अब आज तक मैं चुप रहा लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। और यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बा सबका मुंह बंद कर देती है। बा आज बापूजी को भी नहीं बख्शती और कह देती है कि आप क्या बोलेंगे, आप कौन से पति होते हैं जो इसको हक मुझसे छीन सकते हैं और कारखाने से निकालने वाले होते कौन है आप, मेरे बेटे ने सब कुछ किया है और आप तो पिता और पति दोनों के पर फेल है। और उसके बाद हसमुख भाई भी कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, हसमुख और उसका भाई भी कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी बल्ले नहीं पड़ता। और यहाँ पर तो बात इतना भड़क चुकी है कि पूरे कारनामों से सबका दिल तोड़ देती है। अनुपमा को धक्का भी मार देती है, अनुपमा रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि बापू जी को त्याग आपको नजर नहीं आ रहा, आज आपको पैसों का मोल है। और यहाँ पर वह कह देती कि कुछ नहीं, कौन सा पैसा है, कौन से क्या। यहाँ पर तो बाप भड़क जाती इतना बुरी तरह से और कहती कि सब कुछ जो भी किया आज वनराज ने किया है, मुझे मिला ही क्या इतने सालों की तपस्या और इतने प्यार के बाद ने, आपको अगर हैसियत नहीं तो मुझसे शादी ही क्यों की। और बहुत कुछ उन्हें सुना देती है, जिसके बाद ने बापूजी भी शॉक्ड हो जाते हैं और बापूजी वहीं गिर जाते हैं। और अनुपमा वापस डिसाइड करती है कि मैं अपने बापूजी का सामान लौटा कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, और वह अपने घर लेकर उन्हें चली जाती है। वही कामयाब डिसाइड करती है कि वनराज के वापस लौटने से पहले उसे सब कुछ ठीक करना ही पड़ेगा, बापूजी को वापस घर लाना ही पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अनुपमा डिसाइड करती है कि वो बापूजी का सामान लौटा के ही रहेगी और उनका उनका घर जरूर दिलाएगी। अब बापूजी के लिए अनुपमा और काव्या दोनों ही लड़ते नजर आएंगी बा के खिलाफ और बा की अकल ठिकाने लगाएंगे। अब देखते हैं कि दोनों बहुएं मिलकर क्या सांस की अकल ठिकाने लगा पाती है और वनराज के आने से पहले सब कुछ ठीक हो पाता है या नहीं।